नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जिन लोगों की लिमिट चल रही है, जो बिजनेसमैन है जिनकी लिमिट चल रही है किसी और बैंक में, तो अब वो किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहले क्या था, साल भर पहले आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आपकी लिमिट कहीं किसी बैंक में चल रही है तो आप अपना करंट अकाउंट किसी और बैंक में नहीं खुलवा सकते, अगर आपने खुलवा रखा है तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन 30 अक्टूबर को ये सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हटाई है, तो वो मैं अब आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये सिर्फ उन्हीं व्यापारियों पर और उन्हीं बिजनेसमैन पर लागू थी जिन्होंने बैंक से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट जैसी कोई फैसिलिटी ले रखी है। अब इसके अंदर क्या है, मान के चलिए आपने किसी भी बैंक से 5 करोड़ से कम की फैसिलिटी ले रखी है, 5 करोड़ से कम की लिमिट है, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान के चलिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट ले रखी है ओवरड्राफ्ट की, तो अब आप क्या है, आप किसी भी बैंक में जाके आप अपना करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आपको ना तो बैंक से एनओसी लेनी, ना किसी को एनओसी देनी, सिर्फ आपको एक अंडरटेकिंग देनी है बैंक को कि अगर यदि आपकी लिमिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा की हो जाएगी भविष्य में, तो आप इनको इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि सिर्फ एक ही अंडरटेकिंग देनी है, अगर आप 5 करोड़ से कम की लिमिट है आपके पास, आप कहीं पर भी जाके अपना करंट अकाउंट खुलवाइए। अब बात आते हैं कि अगर जिन बिजनेसमैन की को 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट है उनको क्या रिस्ट्रिक्शन है। आरबीआई ने उनको क्या एक बाउंड किया हुआ है, अगर आदि आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट है, आप कंसोर्शियम में या सिंगल में, तो आप अपना करंट अकाउंट उसी बैंक के साथ खुलवा सकते हैं जहां पर आपकी टोटल लिमिट 10 करोड़ से ज़्यादा की है, नहीं 10% से ज़्यादा की है। मैं अब एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए आपकी टोटल लिमिट बैंकिंग सेक्टर में कंसोर्शियम में 25 करोड़ है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 15 करोड़ है, HDFC में 4 करोड़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 करोड़ है और PNB में 2 करोड़ है, तो 25 करोड़ का 10% हो जाता है 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ आपकी SBI, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप PNB में करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते और इनके अलावा किसी और बैंक में आप अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते अगर आपकी लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा की। अगर फ्रेंड्स आपको लोन की रिक्वायरमेंट है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा काफ़ी बैंकों के साथ टाइप है, तो हम हो सकता है आपको बहुत अच्छी डील करवा दें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।